रसिक भाई, आप क्या कहना चाहोगे ये दोनों मैच के बारे में? मुरून के हैं दोनों और आप तो डोमिनियन के, काफी दोनों को जानते हैं, काफी कमेंट्री भी आप कर चुके हैं, कुछ बताइए रसिक भाई। जी हाँ, मैं नजदीक से इन लोगों को जानता हूँ और अच्छे बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर। देखिए, पहले ही गेंद पर छक्का लगाया प्रीतेश ने, प्रीतेश गोयल काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और ये दूसरा अच्छा शॉट और वहां पर इतने ही अच्छे रन और ये अंपायर का डिसीजन आता है 6 रन, दूसरी गेंद में भी 6 रन, क्या बात है, बैक टू बैक 6, क्या बात है प्रीतेश। हमें अब हमें यहाँ आकृति 11 वाली जो टीम की मैच जो थी, पहली मैच में पहली ओवर में 6 छक्के लगे थे, उसकी याद दिला रहे हैं प्रीतेश, ये देखने मिल सकता है। और ये तीसरा छक्का, और ये सर हो भी सकता है तीसरा छक्का लगा हुआ है तीसरी बॉल पर। तीसरी गेंद में तीसरा छक्का, प्रीतेश देखते सूझबूझ से फिर अपना बल्ला उठाते और बाउंड्री की ओर जाते, और ये चौथा चौका और ये चौथा छक्का। हम इसकी जो मैच हुई थी इसके पहले कहा था पहले हो सकता है, हो सकता है, अभी 2 गेंदें बाकी है और 2 गेंदों में 2 छक्के आ जाते हैं तो काफी बढ़िया मैच का आनंद लुप्त हो सकता है और ये रिकॉर्ड भी हो सकता है। जी सर, क्योंकि और यहाँ पर प्रीतेश अपने बल्लेबाजी के लिए जाने माने खिलाड़ी है, यो ये अभी अच्छे छक्के चौके जड़ने के लिए जाने माने खिलाड़ी है वो। और ये चार रन का इशारा देते हैं और चौका प्रीतेश के बल्ले से चार, और ये 6 रन, बढ़िया बात है प्रीतेश, 1 ओवर 34, ये काफी महंगी ओवर साबित हो सकती है, काफी महंगी ओवर साबित हुई। ये मैदान पे हवा भी थोड़ा ज्यादा है आज, जो टर्न चाहिए वो बॉलर को टर्न नहीं मिल रही है और नए बैट्समैन के रूप में हेलो अरे जय अगली गेंद डालेंगे। बॉलर नेम निखिल, बॉलर नेम निखिल, निखिल है, रहते है कुर्ला में, खेलते है मुलुन में, काफी अच्छे गेंदबाज है। अपने ओवर की पहली गेंद डालेंगे और ये जय आउट होते हुए पहली गेंद पे काफी जाने माने गेंद बल्लेबाज जय को आउट कर दिया। जय ने बिना कोई खाता खोले जय वापस पवेलियन में जा रहे हैं और नए बैट्समैन आएंगे चेतन जेठवा, वे काफी जाने माने बैट्समैन है चिराग, और पहले ही गेंद पे कामयाबी मिले तो बोले बहुत काफी खुश होते हैं। 1 ओवर 34 रन, 1 विकेट, काफी अनुभव है चेतन जेठवा को। अगली गेंद निखिल परमार, बॉल डालेंगे चेतन जेठवा को, पहली गेंद पे विकेट ली थी उसने, बढ़िया गेंद और ये काफी अच्छा शॉट लगाते हुए यहाँ पर 6 रन के लिए और अंपायर ने डिसीजन 9 बॉल और 9 बॉल पे फ्री हिट कंपलसरी है। अंपायर फ्री डिसीजन लेंगे आप उसके लिए बेफिक्र हो, 9 बॉल था और ये 9 बॉल पे पूरा फायदा उठाते हुए 6 गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। मुझे लगता है 6 रन की बारिश हो रही है यहाँ पे। जी मारता कम है घसीटता ज्यादा है। जी दो बोल और ये काफी अच्छा शॉट लगाते हुए और 6 रन, मुझे तो लगता है कि अंपायर को हाथ ऊंचा ही रखना चाहिए। जी सर, हमें लग रहा है कि शायद तो स्टैंड लगाने पड़ेंगे अंपायर के हाथ ना दुखे इसलिए। सही फरमाया अशोक जेठवा, क्योंकि आपने बताया कि हाथ ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन हाथ ऊपर रखेंगे तो निखिल परमार यहाँ पे दिशा से भटके और उनको 3 छक्के जड़े हैं अभी और ये चौथा छक्का। ये चेतन जेठवा है भाई, मुझे लग रहा है हार नहीं मानेंगे और झुकेगी भी नहीं।
झुकेगा नहीं साला, फ्लावर समझा, काफी बढ़िया छक्के छक्के छक्के। और चेतन जेठवा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, टर्फ के लिए जाने माने खिलाड़ी है, ब्यूटी इलेवन से खेलते हैं और फिर बाद में अभी मुलुंडसी से खेल रहे हैं। निखिल अगली गेंद लेकर, और ये और एक छक्का, क्या बात है, अंपायर का यहाँ पर डिसीजन आता हुआ 6 रन के लिए और स्कोर होता हुआ 65 रन पर एक विकेट, 65 पर एक। लास्ट गो, लास्ट बॉल, देखते हैं इसमें क्या हाथ। और ये वाइट का अंपायर का डिसीजन, वाइट अंपायर डिसीजन वाइट का है तो फेयर ही डिसीजन रहेंगे आपको नहीं। और ये 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया प्ले इन में, एक भी सिंगल नहीं लिया है, 72 रन बने, 72 रन हुए है, 2 और 72 रन, एक को खोके, उसका तो कोई गम नहीं है, एक को खोके। बॉलर नेम श्रेयांश, ये जो चिरक मैदान पे जो नाम दिया रहेगा भाई श्रेयांग ने चिराग एक बार 6 गेम में 6 विकेट ली थी मुलुंड टफ में, मुझे याद है। ओके, जस्ट आपको ऐसा बता रहा हूँ, अभी आज तो क्या हो गया कोई, लेकिन ये पहला ही गेम पे लेकिन स्वागत किया प्रीतेश ने, सिंगल डबल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, एकदम काफी बढ़िया सूझबूझ के सिक्स की बोझार कर रहे हैं प्रीतेश, वह थान क्या है सर की वो करेगी तो छक्को चौको की बरसात करेगी बाकी सिंगल डबल से तो। और ये कैच ड्रॉप होता हुआ, इजी कैच हो सकता था लेकिन फिर भी काफी ट्राई किया आर्य ने मगर हाथ में गेंद नहीं आई, कोशिश काफी अच्छी कोशिश की थी वहां पर कैच के लिए। और ये अंपायर का डिसीजन वाइट बॉल, थोड़ा दिशा से भटके और ये वाइट गेंद, मुझे लग रहा है थोड़ा हवा का भी साथ मिल रहा है बैट्समैन को जी। और ये डॉट बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी, तीसरी ओवर में थोड़ा कमबैक किया ऐसा लग रहा है, एक सिक्स आया था फिर भी और एक कैच छूटा था। और ये कैच, बढ़िया कैच पकड़ा हरी ने, अगली गेंद पे उसने कैच छोड़ा था चिराग, ये गेंद तो पकड़ लिया, हो सके जब सर प्रेशर में आते तो। थोड़ी देर पहले फरमाया था कि श्रेयांग ने 6 विकेट लिए थे 6 गेंदों में, तो आज उसने 1 विकेट निकाली, अशोक भाई का कहना मान लिया है। बैट्समैन भावेश गोयल आए हैं, भाविक गोयल आए हैं, ये लास्ट टू गो प्रीतेश के भाई, लास्ट बॉल, क्या बात है, दोनों भाइयों की बल्लेबाजी देखने में देखने लायक होगी, एक से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक भाई ने दूसरे भाई को स्ट्राइक दी कि भाई तुम खेलो, लेकिन ओवर की समाप्ति पर स्कोर होता हुआ यहाँ पर 87, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर होता हुआ 87 रन। और सर जैसे आपने बोला था कि कैच डूबल, जब मैच प्रेशर वाला होता है तो कैच ट्राई करते फिर भी वो कनेक्ट नहीं होता है, सही फरमाया, क्योंकि प्रेशर तुम आप रेगुलर खेलो और टूर्नामेंट में खेलो काफी डिफरेंस है दोनों में। जी हाँ, जब आप फ्रेंडली खेलो 87 तीन ओवर को समाप्ति पर 87 रन हो चुके हैं यहाँ पर, कितने को खोके भाई, बॉलर रोहित, रोहित रोहित बॉलर, 3 विकेट को खोकर 87 रन और 3 ओवर, तो स्ट्राइक पर है भाविक गोयल, नॉन स्ट्राइक पर प्रीतेश गोयल, गोयल गोयल गोहिल गोयल गोहिल एंड गोहिल टू सिक्स आउट,
और यहाँ पे आउट होते हुए भाविक आउट हो चुके हैं। यहाँ पर आज इनका बल्ला नहीं चला, वरना वो भी बल्लेबाजी में जाने माने खिलाड़ी है भाविक, वो भी सिक्स की बोछार करते हैं। तो इस प्रकार उनके तीसरे नंबर के भाई आए हैं पीयूष गोयल। पीयूष काफी सोच समझ के अपने बल्लेबाजी करते हैं। मुलुंड सी में पूरे गोयल से भरे हुए हैं खिलाड़ी, और इन खिलाड़ियों के हम पोते होते हैं, दादा होते हैं, बापा होते हैं, क्या बात है। और बॉलर्स नेम, और ये छक्के रन, क्या बात है। आते ही रोहित को अपना खाता खोला छक्के से, क्या बात है। रोहित अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज पीटे गए पहली गेंद पर, कमबैक करना जानते हैं। और ये दूसरा छक्का, क्या बात है। आज तो छक्के की बारिश ही हो रही है यहाँ पर। मुलुंसी का स्कोर होता हुआ 99। चौथी ओवर प्रगति पर, अच्छी गेंद, ट्राई तो किया था उन्होंने बड़ी हिट के लिए, लेकिन सिंगल से संतुष्टि लेनी होगी। रोहित कमबैक किया उन्होंने। अब प्रीतेश अगले गेंद का सामना करते हुए, और ये 6 रन के लिए गेंद भेज दी है। अगर फुल टॉस दोगे तो हम, और यहाँ पे दोगे, और यही हुआ प्रीतेश की हाफ सेंचुरी होती हुई यहाँ पर। यहाँ पर प्रीतेश के 50 रन पूरे, क्या बात है, बढ़िया। और ये छक्का, और 6 रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे प्रीतेश, उन्होंने अपनी 50 हाफ सेंचुरी यहाँ पे कर दी है। और शायद सब हाफ सेंचुरी ने 6 से ही पूरे किए। कितने गेंद में 6 मारा है? 11 गेंद में 11 बॉल में 59 रन बनाए प्रीतेश ने। और ये अंपायर का डिसीजन वाइट, और ये 6 रन, काफी अच्छा शॉट लिया पीयूष ने अपने बल्ले पर। श्रेयंक ने दूसरी ओवर डाली है ये मैच में, और ये बॉल, और ये पीयूष आउट होते हुए, उन्हें लगा कि सोचा कि ये शायद गेंद बाहर जाएगी, मगर स्टंप पे गई, और श्रेयंक ने अच्छी कामयाबी हासिल की। बैट्समैन बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, शेन वॉर्न की याद आ गई। शेन वॉर्न भी ऊपर से खुश होते रहेंगे। नए बैट्समैन, नेक्स्ट बैट्समैन दीपेश थाने में रहते हैं, काफी अच्छे बल्लेबाजी है, और उसने जिताया भी है बहुत बार मुरुन सी को, 2 6 मार के उसने मुरुन में जिताए थे मुरुन सी को। और अश्विन ने हमको बताया, और ये व्हाइट का इशारा आता हुआ, और प्लस व्हाइट प्लस नो, पुरानी यादें नो अश्विन भाई ने ताजा कर, ये नो बॉल पे फ्री हिट, देखते हैं इसका फायदा उठाते हैं कि नहीं। और ये काफी अच्छा फायदा उठाता है, और 6 रन के लिए, और 6 के माहिर है। ये अभी तक का ये हाईएस्ट स्कोर है 126, और ये 132 रन हुए, 132 काफी बढ़िया स्कोर हुए, उससे ज्यादा अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 132। 2-2 गो, और ये वाइट, हितेश को गेंद नहीं दिखे, हार्दिक दिखे। दोनों भाई ये समझ लिए आपस में, वाइट 2-2 गो। नो, और ये अंपायर का डिसीजन आता है वाइट बॉल। मुझे लगता है अभी से लड़खड़ाती दिख रही है महादेव लोन की बारी, वन साइड मैच हो रहेगा ये। ये देखो, ये अंपायर बाजू वाले बीट ऑफ में गेंद डाल रहे हैं चिराग। अंपायर वेट, प्लेयर
महादेव इलेवन वेट अंपायर डिसीजन लेके आपको फिर अंपायर वेट वेट प्लीज बैट्समैन फील्डर प्लीज आप आर्ग्यूमेंट ना करें, जो भी डिसीजन रहेगा आपको फेयर डिसीजन ही मिलेगा। दोनों एम्पायर को डिसीजन लेने दीजिए प्लीज, आप घाई मत कीजिए। चिराग ये तो डिसीजन लेना काफी अंपायर का डिसीजन, अंपायर अंपायर डिसीजन नो बॉल नो बॉल, और ये अंपायर का डिसीजन आया हुआ है नो बॉल, और नो बॉल पे फ्री हिट। चिराग बैट्समैन को क्रिस सॉरी नो बॉल से क्योंकि आउट क्यों के आउट बॉल काउंट है, बॉल काउंट और आउट है, और बढ़िया डिसीजन लिया अंपायर ने, उनको बैट्समैन को क्रीज छोड़ने नहीं चाहिए। इसीलिए सर मैंने कहा कि हमारे अंपायर कोई भी डिसीजन अनफेयर नहीं करेंगे, करेंगे वो फेयर डिसीजन कर। अंपायर का डिसीजन हो चुका है, प्लीज मैच कंटिन्यू करें। श्रेयांक बॉल डालेंगे प्रीतेश को, और ये बढ़िया प्रीतेश ने 6 रन के लिए भेज दिया पवेलियन के बाहर, और अंपायर के हाथ ऊंचे के ऊंचे रहे हैं, अभी तक हाथ हिलाने का मौका नहीं दिया कि फोर लगाए। 142 काफी बढ़िया टारगेट, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मून सी के बारे में 1 फुट। जी हाँ सही फरमाया, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, क्योंकि पसंद ऐसी थी कि उनके 6 रन से ही पसंद थी। अभी महादेव को कर दी, और 100 महादेव को जीतने के लिए 145 रन चेस करने होंगे 5 ओवर में, मतलब हर एक ओवर में उनको 6 कंपलसरी करने देना होगा हिट, तो ही पॉसिबल है जीतना। 145 जीतने के लिए महादेव 11 को, और मुलुंसी की टीम ने काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है, अब महादेव 11 को भी वही उसी तरह से अच्छी बैटिंग दिखानी होगी। 145 प्रीतेश ने 68 रन की पारी खेली है, झुंझारू पारी खेली है एकदम ये, और ये अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है 144, और अगर महादेव ये स्कोर चेस करती है 145 तो उनका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 145, लेकिन अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है मुलुंसी का 144। अगर महादेव 11 ये मैच जीती है तो 151 रुपया रसिक जेठवा की तरफ से मिलेगी। पॉसिबल भी है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बैट्समैन नेम स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर ऋतिक, ऋतिक एंड प्रियांक दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में। बॉलर नेम सतीश जेठवा, काफी मुलुंड सी से अच्छे गेंदबाजी करते हैं वो, अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो सतीश जेठवा, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आईपीएल में भी काफी चमकते खिलाड़ी है वो। बोरीवली रसिक भाई का गाला सूख गया है, थोड़ा पानी पियेंगे तो कॉमेंट्री में भी थोड़ा दमदार आवाज दिखे। बोरीवली बी अने आकृति ने रिक्वेस्ट है कि टोस आकृति ए टोस माटे कॉमेंट्री बॉक्स ने त्या आवी जाए। बोरीवली बी एंड आकृति ए प्लीज कम ऑन कॉम्प्लीट। सहेली सतीश पहली गेंद डालेंगे ऋतिक को, ऋतिक काफी जाने माने बैट्समैन है, अभी जहाँ पे 15 मैच हुए थे उसने अच्छा स्कोर बनाया था उसने। मुलुंड सी और महादेव ये अभी चालू है, आराम से और ये पहली गेंद पे, और ये एक रन का डिसीजन आता है, चार रन सॉरी हेलो, यहाँ पे अंपायर का डिसीजन आता है 4 रन। भाई वाला बोलाओ ने, हेलो भाई कॉइन काट ही नहीं रहा है। दूसरी गेंद सतीश की, बढ़िया गेंद थी, 1 रन मिलेगा। अरे बोरीवली महादेव का स्कोर 5 रन, 2 गेंद।
अगले गेंद खेलेंगे बोरीवली बी एंड आकृति ए प्लीज आउट। और ये प्रियांक की विकेट जाती हुई यहाँ पर पीयूष लिया और पहली ओवर में सफलता मुगुन सी के नए बैट्समैन आशीष। अगर महादेव को जीतना है तो सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी तभी इतना बड़ा स्कोर चेस हो सकता है। रसिक सही फरमाया आपने चिराग देखो रसिक भाई ने सही फरमाया जिस तरह छह रन बढ़िया सूझबूझ से करेंगे तभी बड़ी हिट लगा पाएंगे। मुलुन सी के खिलाड़ियों जैसे सिक्स की बारिश की थी इसी तरह उसने तूफानी सिक्स की बारिश करनी होगी महादेव के खिलाड़ी को। और ये आउट 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 यहाँ काफी ऊंची गेंद गई आशीष अपने विकेट गवाते हुए और ये एक तरफा मैच हो रहा है अभी खाली औपचारिक बची हुई है लेकिन हाँ तू जा मैं जा आओ स्कोर इतना कम नहीं है कि इजीली हो सके 145 मतलब पांच ओवर काफी बड़ा स्कोर मुरुन सिंह ने खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब इजीली स्कोर नहीं है ये तो स्कोर नहीं है ये चीन की दीवार है इंपैक्ट प्लेयर है जय नाम जय परमार बैट्समैन जय परमार डॉट बॉल अच्छी और यहाँ पर थी ओवर की समाप्ति के साथ 11 रन 2 विकेट एक ओवर एक ओवर 11 रन 2 विकेट खाली मैच की औपचारिकता बची हुई है। हाँ बॉलर नेम चेतन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है अनिश्चितता खेल बचा ही नहीं अभी बधु काम पूरु थी गयो चेतन नए गेंदबाज काफी बढ़िया गेंदबाज है चेतन अपने सामना करते हुए और ये अंपायर डिसीजन रन आउट की कोशिश ये रन आउट अंपायर और प्लीज अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट ना करे प्लीज एक हमें तो लग रहा है आउट है फिर भी थर्ड एम्पायर से डिस्कस करते हुए दोनों एम्पायर अंपायर डिसीजन आउट बढ़िया डिसीजन मैं तो मानूंगा काफी उत्साह दिख रहा है मुनुष्य की टीम में क्यों ना हो आज को उसके पल्ले में मैच है बैट्समैन अमित नया बैट्समैन नो स्ट्राइक पर अमित पटियार नो स्ट्राइक पर अमित पटियार जय तैयारी में है मगर कोई बॉल नहीं डाल रहा है सलाम मशवरा हो गया नई गेंद डालेगे चेतन चेतन डालेज कंटिन्यू और ये डॉट से नहीं चलेगा बड़ी हिट्स की जरूरत है यहाँ पर और ये 6 रन ऐसे हिट्स लगाने होंगे अगर थोड़ा क्लोज आना है और नो बॉल का इशारा आता है यहाँ पर अंपायर का और उस पे फ्री हिट देखते हैं फ्री हिट का फायदा और ये बढ़िया कैच पकड़ा नीलेश ने काफी कैच अच्छा था पर नो फ्री हिट के हाँ फ्री हिट थी तो उसको कैच माना नहीं जाएगा बैट्समैन को जीवन दान ग्राउंड शॉट
और ये बैट्समैन भाग गए थे, अमित नहीं भागे थे, अगर भागते तो पहुंच जाते, मगर जय के रूप में एक विकेट गंवानी पड़ी। अच्छी फील्डिंग और जाने माने फील्डर है वो मुलुंड के, गेंद को कभी छोड़ते नहीं है, लपक दे रहे थे। नए बैट्समैन रोहित धीरे धीरे आते हुए स्ट्राइकर पे, उत्साह नहीं दिख रहा है कुछ रसिक। जी हाँ सही फरमाया यहाँ पर, क्योंकि अभी औपचारिक कुछ है ही नहीं। और आए रोहित के बैटिंग के लिए, 11 ने मेरे मुझे लगता है कि हथियार डाल दिए है। और निमेश जो जिन्होंने अभी जो फील्डिंग की थी और उन्होंने अच्छी स्टार्टिंग से इन्हें बड़ी हिट की जरूरत थी करवाया, और ये इस तरह से तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी गेंदबाजी की चेतन जेटवा ने, और गेंदबाजी में भी अच्छे जोर दिखाई और बल्लेबाजी में भी अच्छे जोर दिखाए। और अभी अभी मैंने कहा कि निमेश काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए उन्होंने एक कैच लिया था जब वो नो बॉल। बॉलर बॉलर नेम सतीश, वाल थोड़ा हो गए लेकिन पीला बॉल पकड़ने के लिए झुके नहीं, उसके सतीश चुड़ासामा नहीं दिख रहे आज। आज सतीश चुड़ासामा शायद से कामकाज वधारे देने का था, इसके लिए आए नहीं है। अरे मेरे मालिक गुरु आ रहे आज। और ये अमित के बल्ले से छक्का आता हुआ, आग उगलता हुआ छक्का, और ये 86 मीटर का छक्का, 24 चार विकेट। और ये 24 और ये अमित के बल्ले से छक्का आता हुआ, ये पहले से स्टार्टिंग से जरूरत थी महादेव इलेवन को। और ये काफी अमित ने ट्राई किया पर सिंगल से हिट संतुष्टि। मुलुंड से बड़ी टीम है, उसने आज साबित भी कर दिया चिराग जी, और स्कोर भी अभी तक का हाई स्कोर है 144, मतलब ये मुलुंसी का सबसे हाई स्कोर है अब तक का। काफी रोहित ने अच्छा, और चिराग सुनो, रोहित और ये अमित दोनों सगे भाई है क्या बात? रोहित छोटा है, जैसे कि कुणाल पंड्या और हार्दिक पंड्या खेलते हैं जी जी, वैसे ही रोहित और अमित खेल रहे हैं आज। लेकिन दोनों की गेम खिलाड़ी जो थे एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर, उसी तरह उनकी जोड़ी है। लेकिन दोनों की गेम भी सेम है, वो भी बिल्कुल बड़ी हिट लगाना जानते हैं, वैसे अमित भी। दोनों ने सिक्स मार के दिखाई आज, दोनों 37 स्कोर पूछ मां भाई रमेश अकली खड़ा होने फोटो कितना रुलाएगा, छक्का मार दो जाए नहीं बस। और प्रीतेश ओवर लास्ट बॉलिंग, हां मैच नहीं इनिंग में छक्का, और ये प्रीतेश आओ बॉलिंग डालने, प्रीतेश बॉलिंग डालेंगे, विकेट कीपर है जय। डॉट बॉल, अच्छी गेंद भी डालते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। और ये तीनों भाई खेल रहे हैं भाई, नहीं मामा फुइना रमेश बदा। और ये बॉल अमित क्लीन बॉल, काफी बढ़िया गेंद है और अंदर आते हुए, और नेक्स्ट बैट्समैन आते हुए हरी अशोक भाई के पुत्र अशोक भाई के सुपुत्र से हरी, 5-6 दिए थे पहले ही ओवर में, अभी देखे हरी क्या करते हैं। नहीं हरी उसका बदला तो जरूर लेंगे, बदला लेगा तो फाइन ये। और ये वाइड नो, अंपायर का डिसीजन नो बॉल, और इस पर फ्री हिट प्रीतेश ने ही लगाए थे 5 या 6 6 हरी की बॉल में, और ये फिर से कंटिन्यू नो, मतलब फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी ये, नो पे नो। रोहित सामना करेंगे प्रीतेश की अगली गेंद का, तीन बॉल, और ये फ्री हिट का फायदा, और ये वाइट नो, मतलब कंटिन्यू फ्री हिट रहेगी। थैंक यू और ये
नो फ्री हिट है, फ्री हिट है तो आउट नहीं माना जाए। वन आवार कितु जाए ना कई कई है आकृति ए आने आकृति रोहित को अच्छा जीवन दर्द मिला। अगली गेंद प्रीतेश बोरीवली बी ने आकृति काफी बढ़िया गेंद थी, एक रन मिलेंगे। बोरीवली ब्री एंड आकृति टर्फ टू में आ जाओ, आसानी से एक रन लिया। बोरीवली ब्री एंड आकृति ए प्लीज कम टू टर्फ सेकंड। हरि ने भी सिक्स मारा एक। सर मैंने आपको बोला ही था कि बदला तो जरूर लिया जाएगा। एक सिक्स से संतुष्ट हुए। कई बेग आपड़ी आना पची है 49 जो स्कोर ने चिंता नहीं कर 49 पे पांच विकेट तू तो चार है कर। ये लास्ट बॉलर ने ये सिक्स काफी अच्छा शॉट रोहित के बल्ले से। रोहित बॉलर ने आसानी से सिक्स मारते हैं। बॉलर बॉलर जय हो जय हो। बॉलर ने नितेश चावड़ा ये व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। ये और काफी लंबी चली, बढ़िया गेंद थी और ये एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया गेंद से और ये हरी के बल्ले से छक्का आता हुआ। छक्के चौके ज्यादा पड़े हैं, चौके पड़े नहीं बहुत कम पड़े हैं। छक्के ज्यादा पहुंचा लो। काफी अच्छा शॉट लिया था यहाँ पर ये छह रन, काफी अच्छा शॉट हरी के बल्ले से। और ये ओवर भी सिक्स लगातार तीन सिक्स मारे उसने। तो सर मैंने इसीलिए बोला था बदला तो लिया जाएगा। और ये क्लीन बोल्ड होते हुए हरी फिर भी 18 रन देके गए। थोड़ी जान में जान आई मगर मैच तो निकल चुकी है। चिराग कुछ बताइए। प्रीतेश गोहिल मैन ऑफ द मैच। प्रीतेश गोहिल मैन ऑफ द मैच। मुलुंड सी के प्लेयर प्रीतेश गोहिल मैन ऑफ द मैच। कितने रन बनाए चिराग जरा बोलिए। 68 प्रीतेश के बल्ले से 68 रन आए थे और उनकी हाफ सेंचुरी मतलब और मैन ऑफ द मैच भी वही है और सर्वाधिक इस मैच में ज्यादा छक्के जड़े हैं। दीपेश